आज की चर्चा का विषय होगा वैशेषिक दर्शन का सातवां पदार्थ अभाव पदार्थ। वैशेषिक दर्शन में छह जो पदार्थ हैं वे भाव पदार्थ थे, और आज जिस पदार्थ पर चर्चा होगी वह अभाव पदार्थ है, नॉन एग्जिस्टेंस। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये निरपेक्ष पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभाव पदार्थ सापेक्षता के प्रत्यय पर आधारित है। अभाव से अर्थ है किसी वस्तु का नहीं होना। इसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु का किसी विशेष काल में एवं किसी विशेष स्थान में अनुपस्थिति। लेकिन यहाँ पर अभाव का अर्थ शून्य नहीं है, अभाव शून्य से अलग है। वैशेषिक ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है। वे कहते हैं कि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, जैसे रात के समय, रात्रि के समय जब आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ पर सूर्य का अभाव होता है, और सूर्य का आकाश में नहीं रहना रात के समय उतना ही वास्तविक है जितना रात्रि काल में चंद्रमा और तारों का आकाश में रहना। तो वैशेषिक दर्शन इस प्रकार से अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ मानता है। और पदार्थ शब्द का भी अर्थ यही है, पद प्लस अर्थ, जिसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकें। तो अभाव को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कक्षा में हाथी का अभाव पाते हैं। तो अभाव को एक अलग पदार्थ मानना ये तर्क संगत है। अभाव को वैशेषिक दर्शन इसलिए भी मानते हैं कि अगर अभाव को नहीं माने तो संसार की समस्त वस्तुएं नित्य हो जाएगी, और वस्तुएं का जो अंत है वो असंभव हो जाएगा। तो वैशेषिक दर्शन अनित्य वस्तुओं की सत्ता में या उनके अस्तित्व में विश्वास करता है, और अनित्य वस्तुओं की व्याख्या के लिए ही वैशेषिक दर्शन ने अभाव पदार्थ को अपनाया है, क्योंकि अभाव के बिना, अभाव पदार्थ के बिना या अभाव के बिना परिवर्तन और वस्तुओं की अनित्यता की व्याख्या करना संभव नहीं होगा। वैशेषिक दर्शन बाह्य संबंध में विश्वास करता है, दो वस्तुओं के बीच का जो संबंध है वह तभी संभव होगा जब उसके पूर्व, उस संबंध के पूर्व उन दो वस्तुओं के बीच उस संबंध का अभाव हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप जैसे वृक्ष और पक्षी के संयुक्त होने से एक संबंध होता है, लेकिन इस संबंध के होने के पहले वृक्ष और पक्षी के बीच में उस संबंध का अभाव मानना आवश्यक होगा। वैशेषिक दर्शन में मोक्ष संबंधी विचार भी अभाव पदार्थ को प्रामाणिकता देता है। मोक्ष का अर्थ होता है दुखों का पूर्ण अभाव। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है, तो अगर यदि अभाव नहीं होगा तो मोक्ष का विचार भी एक प्रकार से काल्पनिक या अवास्तविक विचार होगा। अभाव
दो प्रकार के हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन और म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव में दो वस्तुओं के संबंध में अभाव जो है वह संसर्गाभाव कहलाता है, जैसे जल में अग्नि का अभाव, और यह अभाव नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन, ये तीन प्रकार के हैं, प्रागाभाव, ध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। तो प्रागाभाव में जो उत्पत्ति से पहले कार्य का जो भौतिक कारण में अभाव होता है वह प्रागाभाव कहलाता है, जैसे मिट्टी में घड़े का अभाव, अर्थात घड़े के निर्माण से पहले मिट्टी में जो घड़े का अभाव होता है उसे प्रागाभाव कहते हैं। और ध्वंसाभाव का अर्थ है कि नष्ट, विनाश के बाद किसी चीज का अभाव, कोई चीज नष्ट हो गई है, अब उस चीज का उसमें अभाव हो जाता है। जैसे घड़ा नष्ट हो गया तो टूटे हुए टुकड़ों में घड़े का अभाव होता है, या कोई कांच की कोई ग्लास या कोई अन्य चीज अगर टूट गई तो उन टूटे हुए अवयवों में उस चीज का, उस वस्तु का अभाव माना जाएगा। तो ध्वंसाभाव का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो घड़ा टूट गया है उसकी उत्पत्ति फिर कभी नहीं होगी। प्रागाभाव का अंत है लेकिन ध्वंसाभाव का अंत नहीं होता। अत्यंताभाव में किसी भी दो वस्तुओं के संबंध में जो अभाव है वह अगर भूत, वर्तमान और भविष्य में रहता है तो वह अत्यंताभाव कहलाता है। यहाँ पर जो दूसरे प्रकार का जो अभाव है, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, अन्योन्याभाव, उसके विषय में वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है कि दो वस्तुओं की भिन्नता, दो वस्तुओं में पृथक्त्व जो है, भिन्नता जो है, विभिन्नता जो है, उसे ही अन्योन्याभाव कहा गया है। और इसका उदाहरण के लिए ये ले सकते हैं कि क ख में नहीं है, अर्थात एक वस्तु को दूसरे वस्तु से जब अलग किया जाता है तो वह अन्योन्याभाव के आधार पर ही किया जाता है, जैसे घोड़ा गाय, घोड़ा गाय नहीं है। तो ये अन्योन्याभाव एक प्रकार का अभाव पदार्थ है वैशेषिक दर्शन में, और यह अभाव एक प्रकार से अनादि और अनंत है। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन ने अभाव पदार्थ के अंतर्गत दो प्रकार के अभाव माने हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन और म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। फिर वैशेषिक दर्शन म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस को आगे और विभाजित करता है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस प्रागाभाव, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस ध्वंसाभाव, और तीसरा जो है वो अत्यंताभाव, अर्थात एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे वैशेषिक दर्शन में जो उदाहरण दिया गया है वो इसी प्रकार का है, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे दो वस्तुओं में जो भिन्नता है, और इस अभाव का उदाहरण है घोड़ा गाय नहीं है।